मेहंदी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए भारत बंद का कानपुर में कितना असर हुआ, संवाददाता आशीष कुमार के साथ। दोस्तों मैं आशीष कुमार, ब्यूरो चीफ कानपुर से पब्लिक लाइव के लिए। आज मैं लेकर आया हूँ कानपुर नगर में जो देशबंदी लेकर पूरे देश में बंदी चल रही है, जिसको लेकर मैं कानपुर व्यापार मंडल के जो मंत्री हैं उनसे बात करते हैं जी, संजय अग्रवाल जी से, कि इसको व्यापार मंडल के मंत्री होते हुए आज जो देश में जो बंदी है उस बंदी को लेकर क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं संजय अग्रवाल, मेरा तो ये कहना है कि जो आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये न्यायप्रीत है और हम सब लोग इसके साथ हैं। हम कानपुर का व्यापारी इस बात के बिल्कुल साथ नहीं है और इस बंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि ये एक बंदी एक ऐसी बंदी का विषय है कि जिससे कि हर वर्ग परेशान हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, आरक्षण सबको होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसके साथ हम व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं और जो ये भी बंदी है इसका विरोध करते हैं। जैसे कि आज बंदी है तो कानपुर में कुछ प्रभाव पड़ा है दुकानदारों को इसको लेकर? बंदी का कोई भी प्रभाव व्यापारी के ऊपर नहीं पड़ा है, जो हर व्यापारी अपना व्यापार खोल के बैठा है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बंदी व्यापारियों ने नहीं मनाई है। कुछ ऐसे आंदोलनकर्ता आए हुए हैं जो कि दुकान ने बंद करवाने का प्रयास किया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो हम लोग जवान नगर व्यापार मंडल को देखते हैं तो अभी तक तो इस तरह का कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी लोग या कोई भी राजनीतिक लोग इस तरह के कोई भी अभी तक हमारे व्यापार मंडल पे नहीं आए हैं, ना उनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव है। और पुलिस की क्या भूमिका रह रही है इस विषय को लेकर, जैसे कि देश में बंदी है उसको लेकर? पुलिस भी व्यापारियों के साथ है, जो सर्वप्रथम अपने मन से बंदी करना चाहता है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन किसी का भी कोई ऐसा दबाव प्रभाव नहीं आया है कि जिसकी वजह से हमें अपना व्यापार बंद करना पड़े। ये आपको पता होगा भारत देश में भारत बंदी चल रही है, इसी को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ कानपुर नगर के एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, चलिए उनसे बात करते हैं। पहले हाँ, मेरा नाम पवन गुप्ता है, मैं पार्षद हूँ अपने यहाँ पे मोती जी क्षेत्र लगता है अशोक नगर, भारतीय जनता पार्टी से, और जिले का महामंत्री भी हूँ यूथ विंग। जैसा कि मैं पूछना चाहूंगा, जैसे भारत देश बंदी का जो अन्य दलों ने आंदोलन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको लेकर क्या है आप? पहली चीज तो है क्या कि हमारे यहाँ पे जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक आज जिले छोड़ के कहीं पे भी बंदी नहीं करी गई है, कोई बंदी का प्रभाव नहीं रहा है। हम जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, हमारा कानपुर जो उद्योग नगरी है, यहाँ पे कहीं कोई किसी तरीके ना बंदी करी गई है, ना ही कोई बंदी का आह्वान किया गया, ना ही किसी लोगों ने माना है। ये मान लीजिए अन्य दल का मान लीजिए काम होता है कि किस तरह से हम जो समांतर भाव से चल रहा हो तो उसको भ्रामक स्थिति उत्पन्न करें, ये करा गया। और जहां तक हम किसी को भड़काते हैं बलगलाते हैं, जो समझ जाए, जो कम जानकार होते हैं वो समझ जाते हैं तो वो उसका पार्ट बन जाते हैं, जो जानकार होते हैं वो नहीं समझ उन चीज को समझना नहीं चाहते भ्रांतियों को, तो वो उससे बच जाते हैं। बस इतना ही कहना है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में और खासतौर से कानपुर में इसका कुछ भी एक भी परसेंट कोई प्रभाव नहीं रहा है। आप सारी मार्केटें, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं हमारे यहाँ पे, जाके चले जाइए, हमारे यहाँ पे हमारे निकट में पास में सीसाओं बाजार है, पी रोड मार्केट है, कोई मार्केट नहीं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि सरकार जो अपनी दृष्टि से करेगी ठीक करेगी, जो जनता के हित में होगा, अगर हित में है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब किसी के विपक्ष का तो काम है, जैसे मान लीजिए चुनाव जब चल रहा था तब राहुल गांधी ने एक सुल्फा छोड़ा कि जैसे ही चुनाव में वोट डालेंगे आप तो आपके अकाउंट में आएगा। हम देखने वाले हैं बनारस जैसे जिले में लोग, मतलब उसके बाद लखनऊ का उन्होंने घेराव करा कि भैया हम लोग अपना पर्चा लेके गए, आपने मैनिफेस्टो दिया है कि आप वोट डालने के बाद आइए हमसे पैसे लीजिए, तो हम लोग तो इससे भड़काने वाली चीज होती है जो कि ये अनैतिक है, गलत चीज है, पर इसका ये जनता समझदार है, समझ रही है, जो नहीं जान पा रहे हैं वो इसका पार्ट बन रहे हैं, जो जान रहे हैं वो बस के अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जाति को लेकर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सही है कहीं हद तक? देखिए अब भाई सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले देता है तो कई सारे जजमेंट और कई सारे पीठाधीश की न्याय बेंच जो होती है उसके बाद दिया जाता है, उसका सही और गलत का आकलन हमें नहीं लगता है कि हम कर सकते हैं या तो कोई भी नेता कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसे कि अन्य दलों का मानना है कि ये कहीं हद तक नहीं सही, तो बीजेपी क्या कहती है, आपके नजरिए क्या है? देखिए हमने भाई आपने सुप्रीम कोर्ट की बात पूछी तो हमारे यही सुप्रीम कोर्ट ने हमें राम मंदिर का निर्णय दिया,
यही सुप्रीम कोर्ट ने हमें बड़े बड़े निर्णय दिए, हम लोगों ने स्वीकारा और हमेशा चाहे कोई दल हो या चाहे कोई परिवार हो, कोई वाद हो, कहा भी जाता है, जहां पे हम कोर्ट में जाएंगे, जो माननीय न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट होगा, जो निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा, उसके बाद कोई बात कही नहीं जाती है। अगर उनको कोई किसी भी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसमें रिट दाखिल करे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अपना विरोध दर्ज कराए, उसके बाद अगर सुनने के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अदालत होती नहीं है,